जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के उलमा हैं। तालिबान की सरकार बनाने की कवायद के बीच काबुल में प्रदर्शन जारी है। अपने अधिकारों को बचाने की मांग पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं की तालिबान के साथ झड़प हो गई। ये झड़प उस वक्त हुई जब महिलाएं और दूसरे संगठन रैली निकाल रहे थे और तालिबान ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। और काबुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, लगातार वो तालिबान की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर अब प्रदर्शन कर रही हैं, हाथ में स्पीकर लिए। किस तरह अब हिम्मत जुटाए, तालिबान के खिलाफ जमकर महिलाएं अपना बिगुल बजा चुकी हैं और अब काबुल की सड़कों पर आपको महिलाएं दिख जाएंगी तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। हालांकि तालिबान लगातार कई बार, इससे पहले भी तस्वीरें हमने देखी हैं, वो जुल्म ढाता आया है महिलाओं पर, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाए ये महिलाएं अब तालिबान के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। वहां काबुल में एयरपोर्ट खोल दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था और अब एयरपोर्ट एक बार फिर से खोल दिया गया है, काबुल एयरपोर्ट, लेकिन केवल घरेलू उड़ानें ही वहां से उड़ान भर सकती हैं। और अमेरिकी सेना की वापसी के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था और अब यह खबर है कि वहां पर जो एयरपोर्ट है, काबुल एयरपोर्ट, उसको खोल दिया गया है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आ सकती हैं, केवल घरेलू उड़ानें जो हैं उन्हीं को अनुमति दी गई है। इस बीच पंजशीर से बड़ी खबर आ रही है। एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स ने यह दावा किया है कि पंजशीर में हमले के लिए तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं। एनआरएफ की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो के जरिए इस बात का दावा किया गया है कि पंजशीर में तालिबान के जो लड़ाके हमला कर रहे हैं वो पाकिस्तान से आए हुए हैं। पंजशीर में लगातार अभी भी संघर्ष जारी है एनआरएफ और तालिबान के बीच में, जहां पर दोनों ही ओर से अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं। वीडियो भी हमने इससे पहले आपको दिखाया था जहां पर एनआरएफ की ओर से दावा किया जा रहा था। एक वीडियो था जिसमें पानी पिलाया जा रहा था कुछ तालिबानी लड़ाकों को और एनआरएफ का यह दावा था कि ये तालिबानी लड़ाके उनकी गिरफ्त में आ गए हैं। वहीं तालिबान ये दावा करता है कि उसने पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन इस बीच अब आईएसआई प्रमुख फैज हामिद भी अफगानिस्तान पहुंच गए हैं और अब तालिबान की जो सरकार बनने वाली है उसमें कितना बड़ा किरदार होने वाला है पाकिस्तान का, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि पंजशीर की इस लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा लड़ाके भी भेजे जा रहे हैं। हमें हकीकत क्यों नहीं बताते हो? हमें हकीकत बताओ, हमें दुरुस्त दो सही कि हम लोग सुलह के लिए आ जाएं। यहाँ अगर हम खुशगवार माहौल में आते तो कितना मजा होता। आज हम लोगों को एहसास हो रहा है कि मुसलमान को मुसलमान के साथ मुसलमान ही लड़ा रहा है। ये आलिम जो हैं, पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं, ये सारे के सारे आईएसआई और दूसरे ममालिक से पैसे खाकर इन गरीब अवाम को और गरीब मासूम तालिब इलम को इधर मरवाते हैं। जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के उलमा हैं जो उनको गलत दुरुस्त देकर यहाँ भेज देते हैं। पाकिस्तान आईएसआई तालिबान से तालिबान को बोलता है कि आप कश्मीरियों का आवाज निकाल दी, हम तुम्हारे लिए कश्मीर में काम करता है, आप हमारे लिए पंजशीर को आजाद करें। इससे कल सात तरह लोगों, अभी सुबह मुझे फोन आया, आज सुबह मुझे फोन आया कि कल सात बड़े बस फौजी पाकिस्तानी फौज का आया है। ऐसा तो यही तालिबान को ट्रेनिंग दिया, बना दिया। अभी तालिबान कुछ दिनों में जो है 15 अगस्त से काबुल सब अफगानिस्तान के कब्जे में आया, इन लोग नहीं कर सका कि अपनी सरकार चलाने में। जैसा पहले जान कीरी आ रहा था अफगानिस्तान में अमेरिका फॉरेन मिनिस्ट्री, अभी आईएसआई जो ये सब के पीछे आईएसआई आया कि तालिबान के अंदर बातचीत करे। तालिबान के अंदर भी बहुत लफड़ा हो गया, दरार आया है कई दिनों से।
पंजशीर पर कब्जे के लिए खूनी जंग जारी है। जितनी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, पंजशीर पर कब्जा करना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पंजशीर की घाटी में एनआरएफ के लड़ाके ऊंचाई वाले ठिकानों पर डेरा जमाए हुए बैठे हुए हैं और उनसे निपटना तालिबान के लिए टेढ़ी खीर अब साबित हो रहा है। पंजशीर में जबरदस्त जंग जारी है। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से पूरी घाटी गूंज उठी। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए हमला किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। एनआरएफ का ये दावा है कि उसने 200 तालिबानी पकड़े, जबकि तालिबान के कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इससे पहले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया था, लेकिन पंजशीर में एनआरएफ ने दावा किया कि उन्होंने कई तालिबान लड़ाकों को मार गिराया और उन्हें उनके कब्जे में ले लिया है। तालिबान बहुत पावर दिया, जितना अफगानिस्तान में तालिबान के पास पावर था, कल इकट्ठा करके पंजशीर के ऊपर हमला किया। तीन जगह जो एक पुनाबा है पंजशीर में, एक परिन्यान और एक शतुल, ये तीन जगह में बहुत बड़े अटैक किया तालिबान, और दो जगह में कई कुछ अंदर आ गया कुछ टाइम के लिए, फिर से वो भी जानबूझ कर इनको छोड़ दिया कि अंदर आ जाए। जब अंदर आया पीछे भी रास्ता बंद किया नॉर्दर्न लाइंस लोग, इतना तालिबान मर गया। अकानी और मुला बरदर यही दो कौम है, गलजाई और दुरानी। मुला बरदर दुरानी कौम का है, अकानी नेटवर्क ये गलजई कौम का है। पाकिस्तान चाहता है ज़्यादा पावर इसके पास हो, रूस भी चाहता है और चाइना भी चाहता है, और अमेरिका जो दुरानी कौम का सपोर्ट कर रहा है जलमल खैजा के जरिए, वो चाहता है कि उसके पास ज्यादा पावर हो। पंजशीर पर कब्जे की कोशिश में जुटे तालिबान लड़ाकों को तगड़ा झटका लगा है। एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स ने 180 टैंकों के साथ 100 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। खबरों के मुताबिक एनआरएफ के लड़ाकों ने पंजशीर पर हमले के दौरान कई तालिबानियों को मार गिराया, जबकि बहुतों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। हालांकि इस बीच तालिबान ने पंजशीर के 4 जिलों पर कब्जा करने का भी दावा किया है। पंजशीर में अब भी लगातार जंग जारी है एनआरएफ और तालिबान की ओर से, और दोनों ही ओर से तस्वीरें देखिए किस तरह पंजशीर के ये इलाके की तस्वीरें हैं। फायरिंग हो रही है दोनों ओर से, और जंग जो है अभी भी लगातार जारी है। जहां पर एनआरएफ कोशिश कर रही है कि तालिबान पंजशीर पर अपना कब्जा ना जमा पाए, वहीं तालिबान की पूरी कोशिश है कि वो जैसे तैसे करके पंजशीर अपने कब्जे में कर ले। पंजशीर एक ऐसा इलाका माना जाता है जहां ये कहा जाता है कि तालिबान कभी भी यहां पर अपना कब्जा नहीं जमा सकता, और अभी भी जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पंजशीर में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है एनआरएफ, क्योंकि वहां पर उसके ऊपर भारी साबित हो रही है। एनआरएफ द्वारा लगातार जो तालिबानी लड़ाके हैं उनको खदेड़ा जा रहा है। जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के उलमा हैं। पंजशीर में जारी जंग के बीच गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों की तस्वीरें भी सामने आई। दावा किया गया कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे लोग तालिबान के लड़ाके हैं जिन्हें एनआरएफ ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को कुछ लोग पानी पिलाते हुए भी नजर आए, और ये देखिए तस्वीरें जो पानी पी रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये तालिबानी लड़ाके हैं जिनको एनआरएफ ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और कई ऐसे लड़ाके भी हैं जिनको ढेर भी कर दिया है एनआरएफ द्वारा, ये दावा है एनआरएफ का। वहीं तालिबान ही दावा करता है कि उसने पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि तस्वीरें जो अभी सामने आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि संघर्ष और जंग अब भी लगातार जारी है पंजशीर को लेकर एनआरएफ और तालिबान के बीच में। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में पैसों का अकाल है, ज्यादातर बैंक बंद हैं और पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर लोग भूखे प्यासे लाइन में लगे हुए हैं। हालात ये हैं कि पैसे निकालने के लिए परेशान भीड़ बेकाबू हो रही है। तालिबानी आतंकियों के मिजाज को यहाँ हर कोई जानता है, इसके बावजूद पैसे निकालने के लिए अगर भीड़ बेकाबू हो रही है तो लोग अपने ही पैसे के लिए किस तरह परेशान हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नकदी के संकट को देखते हुए बैंकों ने एटीएम से कैश की निकासी सीमा को कम कर दिया है। ऐसे में अब अफगानी नागरिक एटीएम से केवल $200 तक ही नकदी निकाल सकते हैं।
और काबुल के बाहर की तस्वीर देखिए, किस तरह बैंकों के बाहर लगातार भीड़ लगी हुई है, ये उसी का नजारा है। लोग परेशान हैं क्योंकि खुद का पैसा वो खुद से ही नहीं निकाल पा रहे हैं, और अब हालात ये हैं कि केवल $200 से ज्यादा आप काबुल के बैंकों से पैसा, एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और देखिए, भूखे प्यासे ये लोग हर दिन यहाँ पर आते हैं, लाइन लगाते हैं और फिर खाली हाथ वापस लौट कर चले जाते हैं, क्योंकि लाइन इतनी ज्यादा लंबी है कि इनको पैसा निकालने में हफ्तों लग जाते होंगे। और देखिए, लोग थके हारे वहीं बैंकों के बाहर बैठ भी गए हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह के हालात अब अफगानिस्तान में बन गए हैं तालिबान के आने के बाद से। और तालिबान भले ही अपनी ताकत को का गुरूर में हो, लेकिन उसके खिलाफ एनआरएफ ने पूरे पंजशीर सूबे में बगावत का ऐलान कर दिया है। ऐलान के मुताबिक पंजशीर के हर शख्स को तालिबान के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कहा गया है। पंजशीर में जारी है जंग। एनआरएफ और तालिबान के बीच घमासान। काबुल पहुंचे आईएसआई चीफ फैज हामिद। पंजशीर में होगा तालिबान ढेर। अफगानिस्तान की सियासत के बिसात पर जारी शह और मात का खेल और भी पेचीदा होता जा रहा है। दरअसल एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो पंजशीर में एनआरएफ के लड़ाकों से जंग लड़ रहा है। दरअसल पंजशीर के कब्जे को लेकर तालिबान और एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जंग जारी है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। इसके साथ साथ तालिबान ने यह भी दावा किया कि मोहम्मद मसूद और अमरुल्ला सालेह विदेश भाग गए हैं, लेकिन CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्ला सालेह ने तालिबान के इन तमाम दावों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया। मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट माय एस्केप फ्रॉम अफगानिस्तान इज बेसलेस। आई एम इन माय बेस इन द पंजशीर वैली। आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम देयर। I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties. No doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape, we will not surrender. We are standing for Afghanistan. इस बीच एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने ख्वात में तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। खबर है कि एक दिन पहले ख्वात में करीब 1000 तालिबानी लड़ाके पहुंचे थे। इनमें से करीब 300 लोग भाग गए, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया। एनआरएफ का कहना है अगर अमेरिका उनका साथ दे तो वो तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। US अगर किसी भी तरह का इक्विपमेंट सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, और US ही क्यों, बाकी वो सभी देश जो मानवता में विश्वास करते हैं, अगर वो पंजशीर के लड़ाकों का साथ दे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि तालिबान को काफ़ी नुकसान होगा
और अफगानिस्तान को वापस मेनस्ट्रीम में लाना आसान होगा। दरअसल पंजशीर तालिबान की दुखती रग है। इससे पहले भी 1996 से 2001 में बनी पहली तालिबानी सरकार भी पंजशीर पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाई थी। इस बार एक बार फिर तालिबान के लिए पंजशीर में एनआरएफ एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एनआरएफ के मुताबिक कई तालिबानी नेता और उनके गुट एनआरएफ में शामिल हो रहे हैं और ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। इनमें एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद को बदखशा में उन तालिबानी लड़ाकों का स्वागत करते देखा जा सकता है जो तालिबान का साथ छोड़कर उनके लिए लड़ने को तैयार है। तालिबान अपने आप को बड़ा समझता हो, लेकिन पंजशीर का जो जज्बा है, जो लड़ने का जज्बा है, जो जान देने का जज्बा है, अपनी जमीन की रक्षा करने का जज्बा है, मुझे नहीं लगता कि तालिबान उससे पार पा पाएगा। इस सब के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई है और वो ये कि दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हामिद तालिबान के न्योते पर काबुल पहुंचे। ये तस्वीर तालिबान और पाकिस्तान के बीच नापाक साजिश की तस्दीक कर रही है। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। आईएसआई चीफ का इस समय अफगानिस्तान दौरा और वो भी तालिबान के सो कॉल्ड इनविटेशन पर जाना अपने आप में इंडिकेट करता है कि इवन तालिबान पाकिस्तान की सेना से ऊपर आईएसआई को महत्व देता है, क्योंकि आईएसआई ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको हर तरह का सपोर्ट देती है। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखा कि हेलमेट पहने हुए लुटेरे हाथ में पिस्तौल लिए तेजी से दुकान में घुसे और दुकानदार समेत वहां मौजूद सभी लोगों को धमकाकर एक किनारे खड़ा कर दिया गया। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि इसके बाद एक बदमाश काउंटर पर गया और वहां मौजूद दरवाजों को खोलकर रुपए निकालने की कोशिश करता हुआ दिखा, लेकिन जब वो कैश ढूंढ पाने में नाकाम रहा तो वो दुकान मालिक को काउंटर पर लाया और उससे रुपए निकलवा लिए और इस दौरान वहां दहशत का माहौल बन गया। बताया गया कि लूट का विरोध कर बदमाशों ने दुकान मालिक के पैर में गोली भी मार दी। वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह बंदूक की नोक पर तीन बदमाश हैं जो कि दुकान के भीतर घुसे और किस तरह वो लोगों को वहां से किनारे खदेड़ रहे हैं। और उसके बाद देखिए कैसे एक बदमाश हेलमेट पहने काउंटर के पास जाता है और पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसको पैसा नहीं मिल पाता तो वो जो मालिक है दुकान का उसको बुलाता है काउंटर के पास और पैसा मांगता है उससे, और उसके बाद ये तीनों बदमाश फरार हो जाते हैं और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तीन आदमी मोटरसाइकिल पाए, जो तीनों के दो हेलमेट लगा रहे थे, एक आदमी कपड़ा बांधे हुए था मुंह पे। तीन आदमी आए, तीन आदमी आते ही ये यहाँ गोली चलाई, हवाई फायर किया और अंदर आ गया। अंदर आते ही मैंने कहा भी क्या बात है, एकदम से हमें तीन चार आदमियों को आकर पिछड़ जाओ ना गोली मार देंगे पिछड़ जाओ, और एकदम से वो मेरे गले पाए, गले में जितने पैसे थे वो हमारे वो सब निकाल लेंगे। और उस टाइम पर वो बाहर गए तो मेरे कुछ बच्चे थे आवाज़ सुन के वो आए, क्योंकि रहा सवारी ऊपर है। जैसे ही वो आए तो मेरे जिस लड़के ने यहाँ बैठता है उसने कहा कि भाई आप पीछे जब पीछे हट जाओ भैया गोली मार देंगे, भाई पैसे तो निकाल लिए पर ये पीछे हट जाओ गोली मार देंगे ये। उसी दौरान वो पीछे हटा के अपने लड़कों ने जैसे मुड़ा तो उन्होंने सोची कि कभी मेरे पे ये अटैक ना कर दे और ये मेरे को वो ना कर दे। उस दौरान उसने गोली मारी बाहर, पैसे पहले निकाल लिए थे गोली बाद में मारी। परंतु हमारा कहने का मतलब ये है जी सिर्फ अगर भाई मेरी इतनी 72 साल की उम्र होली, आज तक हमने ये गाँव में ये डकैती तो नहीं देखी थी।